बिस्मिल्लाह की बरकत जी। हेलो एवरीबॉडी, शेशावा शावा जी। आज इंशाल्लाह हम लाइफ कलर विद फूड में बनाने वाले हैं गोभी और आलू, ठीक है। मैंने इसके लिए सबसे पहले लिया हुआ जी 2 किलो गोभी, ठीक है, और 1 किलो मैंने आलू लिए हुए हैं, ठीक है। 1 बड़ा टमाटर है, 1-2 इंच अदरक का पीस है, सब्ज़ धनिया है, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। इसमें कोई ज़्यादा मसाला जात आमने नहीं डालना, बस ये 3-4 चीज़ें हैं। बाकी जो हम डेली का इस्तेमाल करते हैं ये है बाकी मसाला, ठीक है। सबसे पहले हमने ये करना है कि प्रेशर में हमने टमाटर, प्याज और अदरक को डाल के इसे हमने फ्राई कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमने बाकी मसाला जात डाल के गोभी को डाल के प्रेशर लगा देना है, ठीक है। ओके जी, ये देखें अब मैं इसमें टमाटर डालने लगी जो मैंने काट के कर ले रखे हुए थे, ठीक है। और साथ ही मैं प्याज डाल दूँगी, ठीक है, और साथ ही मैं अदरक डाल दूँगी। अब मैं इसे फ्राई करके तो मैं फिर अगली लुक दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ओके जी, ये देखिए मैंने फ्राई कर लिया, ठीक है। हल्का सा चम्मच भर के हल्दी का, ठीक है, हल्दी, सुरख मिर्ची 1 चम्मच, ठीक है, 1 से 1.5 ये लेंगे, और 1 चम्मच मोटी दादर मिर्च का, ठीक है। और साथ ही 2 मिनट मैं इसके पकाने के बाद मैं इसमें डालूँगी गोभी, ठीक है। गोभी डाल के तो मैं इसे ओके जी, ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया। मैं इसमें गोभी डालने लगी जी, बिस्मिल्लाह की बरकत, ठीक है। अब मैं इसे मिक्स करके तो मैं इसे सीटी, ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है। ये सिंपल से खाने हैं, इनमें कोई नहीं कि इतने मसाले, ये चीज़ वो चीज़, ठीक है। अब मैं इसे बंद करने लगी हूँ, फिर मैं अगली लुक दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, अब मैंने इसमें आलू डाल दिए, गोभी हमारी गल गई थी 5 मिनट के बाद, ठीक है। तो अब मैंने आलू डाल दिए, अब फिर मैं इसे हल्के से दाम पर लगा दूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको चेक करवाती हूँ जी। ओके जी, ये देखें माशाल्लाह हमारी डिश आउट हो चुकी है। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है, ठीक है। आपने लाजमी ट्राई करनी है, ये सादा सब घर के लिए बहुत ज़बरदस्त है खाना, ठीक है। इसमें कोई तेज़ मसाला जात कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके जी, टाटा।